कि आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें साइकिल के क्या माने हैं, तो आपका क्या कहना है? बिल्कुल, सेहत अगर बनानी है तो जाहिर बात है कि आपको साइकिल चलाना चाहिए। लोग जो डॉक्टर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि फिटनेस अगर बनानी है तो आपको साइकिल, यानी एक आमतौर पर आप कहेंगे कि कुछ खास मायने नहीं है, सिर्फ हेल्थ के मायने हैं। तो आपको बता दें कि आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में साइकिल की अहमियत क्या हो सकती है? आप कहेंगे कुछ खास नहीं, लेकिन छिंदवाड़ा के एक छात्र ने वो कर दिखाया है जिसके बाद ना केवल उसने अपनी माँ को खुशी दी बल्कि अपना और स्कूल का नाम भी रोशन किया। ये रिपोर्ट आप देखिए। सफर को आसान बनाने वाली साइकिल क्या कपड़े धोने के काम की आ सकती है? सवाल अटपटा है पर जवाब है यकीन नहीं तो खुद देखिए। जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बनी देसी वॉशिंग मशीन है ये साइकिल। प्लास्टिक के ड्रम और लोहे की जाली से बनाई गई ये मशीन बड़ी सफाई के साथ कपड़े धोती है। खास बात यह किसानों की मशीन को किसी इंजीनियर ने नहीं, छिंदवाड़ा के पांढुर्णा के रहने वाले 9वीं क्लास के एक छात्र दर्शन ने बनाया है। फिर सोचा कि जो अपनी वॉशिंग मशीन है जो बिजली से चलती है उसको बिना बिजली से कैसे चलाया जाए जिससे लोगों की बिजली बचेंगी और लोगों को मतलब हाथ से वो पटकते वगैरह तो उससे उनके हाथ ना दुखे, उनके कमर में दर्द ना हो। इसके लिए मैंने सोचा कि वॉशिंग मशीन बनाया जाए जो बिना बिजली से चले जिससे लोग स्वस्थ रह सके और इससे व्यायाम भी हो सके लोगों का। और ये बनाई फिर मैंने वॉशिंग मशीन, जो मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे भारत का नाम रोशन हो जाए। और जो भारत लोग कहते विदेशों की भारत कुछ नहीं है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारे भारत में भी बहुत टैलेंट है, हमारा भारत देश भी आगे बढ़ सकता है। दर्शन ये मशीन मॉडल के तौर पर स्कूल में बनाई थी। इस इनोवेशन के बाद दर्शन को दिल्ली बुलाया गया और बाद में उसका चयन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी हुआ पर उम्र कम होने की वजह से दर्शन जापान नहीं जा पाया। जापान आने में जहाँ तक हमको पता लगा है कि जो हमारा जो बच्चा है इंस्पायर्ड अवार्ड वाला वो मिडिल लेवल का था, इसकी एज कम थी और जो सकुरा एक्सचेंज में जो शर्तें थी उसमें ये था कि हाई स्कूल के बच्चे जाएंगे, शायद इसके कारण ही उसमें फिट नहीं बैठा और नहीं जा पाया। दर्शन के पिता मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग कर घर चलाते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं। अगर सरकार की ओर से मदद मिले तो दर्शन देश का नाम रोशन कर सकता है। महंगे होते इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दौर में यदि आप हाथों से कपड़े धोना नहीं चाहते तो आपको इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा और इसके लिए आपको दर्शन का मार्गदर्शन भी जरूरी होगा। राजेश करमिले, ईटीवी न्यूज, छिंदवाड़ा। और इसी के साथ सुप्रभात। एमपी में अभी के लिए बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए सुप्रभात।